हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आया हुआ हूं राहुल टीवीएस कृष्णनगर में। नया साल है और टीवीएस ने अपनी जो टू व्हीलर मॉडल्स है उनमें प्राइस भी कुछ कुछ इंक्रीज की हुई है। तो टाइटल थंबनेल लेकर आज आप लोग समझ चुके होंगे, इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ टीवीएस में मिलने वाली सारी जो स्कूटर और बाइक्स है उनकी प्राइस लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ प्राइस लिस्ट ही नहीं, अगर आप उसको ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट आपको कितना करना हो सकता है, 2 से 3 साल तक के लिए आपको कितना पे करना हो सकता है, और साथ ही थोड़ी थोड़ी फीचर में हर बाइक और स्कूटर के आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी जो बाइंग डिसीजन है उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स। अगर आप वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में रहते हैं और टीवीएस की कोई बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नया नया और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवीएस की तरफ से ऑफर की जाने वाली सबसे बेहतरीन बाइक टीवीएस अपाचे RR310 के बारे में। जहां फ्रेंड्स यहां पर इंजन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 312cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल रिवर्स इंक्लाइंड इंजन आपको यहां पर मिल रही है। ये जो इंजन के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है इसको मैं बता दूं, BMW के साथ क्लब की गई है ताकि यहां पर जो इंजन एफिशिएंसी है या फिर आप कह सकते हैं इंजन की जो परफॉर्मेंस उसको और एनहांस किया जा सके। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी जो पावर और टॉर्क है वो थोड़ी थोड़ी करके बता देता हूं। और बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर आप लोगों को 4 यहां पर मोड मिल जाती है, स्पोर्ट, ट्रैक, अर्बन और रेंज। जहां तक बात है पावर की ट्रैक है, स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 34 पीएस की मैक्सिमम पावर मिलती है, अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 25.8 पीएस की यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल जाती है अर्बन या रेन मोड में। जहां तक बात है टॉर्क की, स्पोर्ट या ट्रैक मोड में आप लोगों को 27.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है, अर्बन और रेन मोड में आप लोगों को 25 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क मिल जाता है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर फीचर्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं ये जो LED DRL है वो आप लोगों को एक बार ये ऑन करके दिखा देना चाहूंगा। जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हैं, की ऑन करते हैं, LED DRL आपको जलती हुई दिखती है। यहां पर आप लोगों को बाई LED प्रोजेक्टर्स यहां पर मिल जाती है। और मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा स्मार्ट कनेक्ट ऐप का, यहां पर आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिल जाता है। और मैं स्मार्ट कनेक्ट ऐप इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये मोबाइल जैसे आप लोगों को यहां पर स्क्रीन मिल जाती है, मतलब ये मीटर कंसोल। और यहां पर बिकॉज ऑफ स्मार्ट कनेक्ट ऐप, अगर आपके मोबाइल में अगर स्मार्ट कनेक्ट ऐप अगर इंस्टॉल्ड है तो यहां पर आप टर्न बटन, नेविगेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी पूरी दिन की जो स्टैट्स हैं वो भी देख सकते हैं, राइडिंग स्टैट्स, और उसी के साथ साथ 3 यहां पर आप अपनी डॉक्यूमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप कह सकते हैं आपकी जो RC वगैरह होती है या फिर आपकी जो मतलब टैक्स डॉक्यूमेंट होती है वो भी आप यहां पर स्टोर कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में तो मैंने फीचर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है, और चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी जो सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि टॉप फीचर है जो कि बन जाती है GTT टेक्नोलॉजी, जो कि है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप मतलब आप समझ लीजिए ट्रैफिक पे हैं तो आप अपना क्लच गियर और थ्रॉटल बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे आपकी जो माइलेज है वो गिर जाती है। लेकिन अगर आप GTD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस भी गियर पर आपकी गाड़ी होती है उस गियर के हिसाब से आपकी गाड़ी हल्की हल्की थ्रॉटल लेती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। आपको ना क्लच इस्तेमाल करना है, ना गियर और ना थ्रॉटल, ठीक है। तो ये फ्रेंड GTD टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो गई है। और चलिए अब इसकी जो प्राइस उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में मतलब 2021 में कंपनी इसको मतलब खासा अपडेट दिया हुआ है, तो उस अपडेट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसकी जो अभी ये वाली जो मॉडल आप देख रहे हैं इसकी जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है बेसिकली कोलकाता के हिसाब से वो बन जाती है 3,02,000 रुपीस की। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप EMI पे अवेल करते हैं तो जो मिनिमम आपको डाउन पेमेंट करना होगा वो है 93,300 रुपीस तक की। 2 ईयर्स के लिए अगर आप इसको EMI पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा पर मंथ 10,500, फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 7,500 एंड फॉर 4 ईयर्स यू विल पे 6,000 रुपीस पर मंथ। अब मैं बता दूं इसके अलावा भी अगर आप थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो 2 किट आपको मिल जाती है, एक डायनेमिक एक रेस किट। डायनेमिक किट में आपको 12,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना होता है, वहां पर ये जो फ्रंट और रियर सस्पेंशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो रेस किट आती है उसके लिए आपको 5,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना होता है। वहां पर ये जो आप फुटपेक देख रहे हैं फुटपेक थोड़ी सी और रेज हो जाती है, जो हैंडल बार थोड़ी सी और अंदर चली जाती है ताकि आपको वो सुपर स्पोर्ट वाली फीलिंग मिल सके। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाली जो कलर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की कलर स्क्रीन में आपको अभी एग्जैक्ट कलर दिख रही होगी, इस कलर पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा पे करना हो सकता है। और चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं किंग ऑफ 160cc सेगमेंट की। जी हाँ फ्रेंड्स मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ टीवीएस अपाचे RTR 164V ये वाली मॉडल की। सबसे पहला अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा जो 2021 के एंड पे मिली थी। देखिए अभी ये बीच में ये जो DRL है वो जलनी शुरू हो जाती है, पहले ये आईब्रो शेप यहाँ पर आया करती थी, उसके बाद अभी 160cc में ये जो 4V मॉडल आते हैं यहाँ पर हर एक मॉडल में आपको अभी राइडिंग मोड्स मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ये मोड आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर देख सकते हैं डेडिकेटेड मोड बटन यहाँ पर दी गई है। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाती है। RR310 में आप लोगों को 4 मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 3 राइडिंग
राइडिंग मोड मिलती है। फर्स्ट जो मोड मिलता है वो स्पोर्ट, दूसरा अर्बन और तीसरा रेन मोड। और इसी राइडिंग मोड के हिसाब से आपकी जो टॉर्क और पावर है वो भी चेंज हो जाती है। पावर की जहां तक बात है, स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 17.55 पीएस की मैक्सिमम पावर मिल जाती है, और वहीं अगर मैं अर्बन रेन मोड कहूं तो वहां पर आप लोगों को 15.64 पीएस की मैक्सिमम पावर मिल जाती है। जहां तक बात है टॉर्क की, स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर टॉर्क मिल जाती है, और जहां तक बात है अर्बन रेन मोड की तो 14.14 न्यूटन मीटर की आप लोगों को यहां पर मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था RR310 में कि GTD टेक्नोलॉजी RR310 में यूज की गई है, यहां पर भी सेम GTD टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया राइडिंग मोड्स वो तो यहां पर इस्तेमाल की गई है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोगों को बेसिकली दो वर्जन्स मिल जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड वर्जन है, और दूसरी इसकी जो वर्जन आती है वो है स्पेशल एडिशन। चलिए अब इसकी जो प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बता दूं, ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है यहां पर आप लोगों को तीन वर्जन मिल जाती है। एक है ड्रम वर्जन, जिसकी ऑन रोड प्राइस आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अप्रॉक्सिमेटली 1,40,000 तक की बन जाती है। ये जो आप वर्जन देख रहे हैं स्टैंडर्ड एडिशन में, ये वाली जो वर्जन आप देख रहे हैं यह डिस्क एडिशन, मैं आप लोगों को बता दूं वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से इसकी जो अप्रॉक्सिमेट ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 1,43,500 रुपीज़ की। और अगर आप इसकी ईएमआई पे अवेल करते हैं, डाउन पेमेंट आपको जो करना होगा, मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट वो है 30,000 रुपीज़ की। टू ईयर्स के लिए आपको 6,200 रुपीज़ पे करना होगा एज ईएमआई, और थ्री ईयर्स के लिए आप लोगों को पे करना होगा 4,550 रुपीज़ एज ईएमआई। स्टैंडर्ड एडिशन की जो टॉप मॉडल है उसकी जो प्राइस बनती है वो है 1,46,500 रुपीज़। आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा ईएमआई के लिए वो है 3,000 रुपीज़ का, और टू ईयर्स के लिए आपको पे करना होगा 6,200 रुपीज़, एंड फॉर थ्री ईयर्स यू विल पे 4,550 रुपीज़। स्पेशल एडिशन की जो प्राइस बन सकती है अप्रॉक्सिमेट वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से वो बनती है 1,48,000 रुपीज़ की। अगर आप इसको डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब ईएमआई पर अगर अवेल करना चाहते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट आपको करना होगा 34,000 रुपीज़ का, फॉर टू ईयर्स विल पे 6,300 रुपीज़, एंड फॉर थ्री ईयर्स विल पे 4,600 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग 164V के बारे में बताया, और जहां तक बात है इसकी माइलेज की तो बता दूं आप लोग 40 से 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है यहां पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब इसकी जो टू वे वर्जन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो की है उसको बंद करना चाहूँगा। फ्रेंड्स जहाँ तक बात है यहाँ पर ये 162V मॉडल की, तो ये आप कह सकते हैं कि ये भी टीवीएस की मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स में से एक है। जहाँ तक बात है इंजन की, सेम इंजन आपको मिलता है 159.7 सीसी फोर स्ट्रोक एयर कूल इंजन आपको यहाँ पर मिल रही है। मतलब फोर में आप लोगों को ऑयल कूल मिल रही थी, यहाँ पर आप लोग को एयर कूल मिल रही है। जहाँ तक बात है पावर की, तो 15.53 पीएस की आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम पावर मिलती है। 13.9 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये दो वेरिएंट में आती है, एक है डिस्क एक है ड्रम। तो सबसे पहले अगर ड्रम की बात की जाए तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से, या फिर स्पेसिफिकली कृष्णनगर के हिसाब से, तो वो बनती है 1,31,715 रुपीज़। अगर आप ईएमआई पे अवेल करते हैं तो डाउन पेमेंट आपको करना होगा 28,000 रुपीज़ तक का। फॉर टू ईयर्स यू विल पे 3,700 एज ईएमआई, एंड फॉर थ्री ईयर्स यू विल पे 4,170 रुपीज़। और मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप डिस्क एडिशन पे चले जाते हैं तो वहां पर जो कृष्णनगर के हिसाब से जो मतलब इसकी जो प्राइस बन सकती है वो है 1,35,100 रुपीज़। डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं ईएमआई के लिए तो आपको करना होगा 28,000 रुपीज़ का। फॉर थ्री ईयर्स यू विल पे 4,280 रुपीज़, एंड फॉर टू ईयर्स यू विल पे 4,870 रुपीज़। अब मैं आप लोगों को बता दूं कंपनी यहां पर क्लेम करती है 0 to 60 किलोमीटर्स पर आर की जो स्पीड है ये 5.36 में अचीव कर सकती है, और यहां पर भी आप लोगों को GTD टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और साथ ही अगर आप यहां पर की ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये जो LED DRL है वो आप लोगों को जल्दी भी दिख जाती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत चीज है। और मैं आप लोगों को बता दूं अगर वहीं अगर आप 164 भी अगर आप मॉडल ये वाली मॉडल में अगर आप आ जाते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 0 to 60 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड है या 4.8 सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं। और फिर जहां तक बात है टीवीएस अपाचे RTR 204 मिलने वाले इंजन की, तो बता दूं यहां पर आप लोगों को 197.75 सीसी ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर मिल रही है। कंपनी ने यहाँ पर भी छोटी सी अपडेट की है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए जैसे की ऑन करते हैं 164V की तरह कि बीच में DRL यहाँ पर जल्दी भी दिखती है, जो कि पहले यहाँ आया करती थी, आईब्रो शेप की दिखती थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको और कोई अपडेट नहीं दिखती है। हाँ, प्राइस में थोड़ी सी अपडेट बिल्कुल हुई है। यहाँ पर भी आप लोगों को तीन राइडिंग मोड देखने को मिल जाता है, एक है स्पोर्ट, एक है अर्बन और दूसरा है रेन मोड। तो चलिए सबसे पहले पावर और टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट मोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20.8 पीएस की आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है, और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 17.25 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल जाती है। और वहीं अगर मैं अर्बन रेन मोड की बात करूं तो मैक्सिमम पावर आप लोगों को 17.3 पीएस की मिलती है, और मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 16.51 न्यूटन मीटर का मिलता है। फ्रेंड्स बता दूं यहां पर भी आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS वाली जो वर्जन है वो भी आती है बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। यहां पर आप लोगों को पीछे RL पे भी मिल जाता है, आप लोगों को यहां पर शोआ के सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट एयर रियर में, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को यहां पर राइडिंग मोड्स तो मिल रही है, और जैसे 164V में भी मैंने आप लोगों को कहा था स्मार्ट कनेक्ट ऐप भी मिल रही है। तो अगर आप अपने ब्लूटूथ के सहारे अगर मोबाइल को अगर कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो 10x10 नेविगेशन वगैरह आप यहां पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए आप प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे देखिए मैंने आपको अभी कहा है डिस्क और ड्रम, मतलब सिंगल डिस्क और डबल डिस्क वाली दो वर्जन आती है। तो सिंगल डिस्क वाली वर्जन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है, ये वाली जो डबल डिस्क वाली वर्जन है विद RLP एंड डुअल चैनल ABS ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से इसकी जो अप्रॉक्सिमेट प्राइस बन सकती है ऑन रोड वो है 1,65,990 रुपीज़ की। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो 52,000 रुपीज़ की आप लोगों को मिनिमम डाउन पेमेंट करना हो सकता है, और मतलब EMI पर अगर आप अवेल करते हैं, और टू ईयर्स के लिए अगर आप EMI पर अवेल करते हैं तो आप लोगों को 6,100
4,100 rupees की आप लोगों को मतलब 2 years के लिए पे करना हो सकता है, और 3 years के लिए अगर आप अवेल करते हैं तो आप लोगों को 4,530 rupees आप लोगों को फॉर 36 months पे करना हो सकता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को कहते GTD टेक्नोलॉजी जो मैंने आप लोगों को RR 310 में बताया था, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 162B4 में बताया था, सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर माइलेज की, तो मैं बता दूँ यहाँ पर आप लोग 35-40 kilometers तक की जो माइलेज यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं TVS की तरफ से लॉन्च की गई हाल ही में TVS Raider 125 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बाइक है जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम है और इसकी जो डिमांड है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक बात है इंजन की, तो मैं बता दूँ 124.8 cc एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। जहाँ तक बात है पावर की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 11.4 bhp की पावर मिल जाती है। और जहाँ तक बात है टॉर्क की, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 11.2 Nm की टॉर्क मिल जाती है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट इन क्लास इको और स्पोर्ट मोड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं ये इको और पावर मोड है फ्रेंड्स, सॉरी इको और पावर मोड मिल जाती है। इको मोड में आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर माइलेज मिलती है और पावर मोड में आप लोगों को मैक्सिमम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को मिल जाती है। और यहाँ पर TVS ने इंटेलिको सिस्टम का भी यूज़ किया है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इंटेलिको सिस्टम का भी कंपनी ने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये कुछ फीचर्स है फ्रेंड्स जो इसमें प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से। और चलिए अब इसकी जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। डिस्क और ड्रम दो वर्जन अवेलेबल होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश वर्जन है, ड्रम वर्जन बहरहाल यहाँ पर कोलकाता में थोड़ी कम अवेलेबल है, लेकिन प्राइस जो उसकी बन सकती है वो है 1,01,000 rupees तक की। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए, अगर आप EMI अवेल करना चाहते हैं तो वो बन सकती है 21,000 rupees तक की। और फ्रेंड जहाँ तक बात है EMI की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 2 years के लिए पे करना हो सकता है 4,288 rupees एंड फॉर 3 years यू नीड टू पे 3,090 rupees। और फ्रेंड जहाँ तक बात है इसकी डिस्क वर्जन की, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली डिस्क वर्जन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क दी गई है, पेटल डिस्क दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये डिस्क वर्जन अवेल करते हैं तो उसके लिए जो मतलब जो अप्रॉक्सीमेट जो इसका ऑनरोड प्राइस बन सकती है वो है 1,06,900 rupees की। डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं EMI के लिए तो आपको पे करना होगा 21,000 rupees फॉर 2 years यू विल पे 4,530 rupees एंड फॉर 3 years यू विल पे 3,270 rupees। और चलिए फ्रेंड्स अब TVS में जो और दूसरी बाइक्स मिलती है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। और चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं TVS Radeon 110 के बारे में। जहां तक बात है इंजन की, यहां पर आप लोगों को 109.7 cc 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाती है। अब देखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि TVS अपनी हर एक बाइक में, चाहे वो छोटी हो या चाहे वो 310 cc की बाइक हो, ठीक है, हर एक बाइक में कंपनी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डालती है ताकि यहां पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी मिल सके और मैक्सिमम माइलेज भी मिल सके। और जहां तक बात है फ्रेंड्स पावर की, तो बता दूं 8.08 bhp की पावर आपको मिल जाती है 7,350 rpm पे। और जहां तक बात है टॉर्क की, 8.7 Nm टॉर्क आपको मिल जाती है 4,500 rpm पे। और फ्रेंड्स फीचर की जहां तक बात है मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारी मतलब कलर्स यहां पर कंपनी अभी इस बाइक के साथ ऑफर करती है। तो आप कह सकते हैं डुअल टोन जो एक कलर आती है वो भी इसकी फीचर में ऐड हो जाती है। और वहीं आप लोगों को मैं दिखा दूं सीट, ठीक है, यहां पर इसकी जो सीट है प्रीमियम सीट आपको यहां पर मिल जाती है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। क्रोम फिनिश वाली मिरर आपको यहां पर मिल जाती है, आप देख सकते हैं ये क्रोम फिनिश वाली मिरर आपको मिल रही है। साथ ही 110 cc की बाइक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सामने में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रही है, वो भी नॉर्मल वाली नहीं, आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को पेटल डिजाइन की डिस्क मिल रही है जो कि हीट डिसिपेशन पे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये सारी इसकी फीचर्स में ऐड हो जाती है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारे एडिशन इसकी अवेलेबल होती है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बेसिकली दो एडिशन जो सबसे ज्यादा आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिलती है उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक है बेस एडिशन जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो मैं प्राइस है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। ऑन रोड कृष्णनगर के हिसाब से 82,500 rupees की बनती है, 82,500 rupees जी हाँ फ्रेंड्स। और अगर आप इसको EMI पे अवेल करते हैं तो डाउन पेमेंट आपको जो करना होगा वो है 17,000 rupees तक का। और मैं आपको बता दूं 2 years के लिए आपको पे करना होगा एज EMI वो है 3,550 rupees एंड फॉर 3 years यू विल पे 2,550 rupees एज EMI। और जहां तक बात है इसकी डुअल टोन वाली वर्जन की, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कंपनी डुअल टोन कलर वाली जो वर्जन है वो भी अवेलेबल कराती है, तो मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से या फिर स्पेसिफिकली कह सकते हैं कृष्णनगर के हिसाब से उसकी जो प्राइस बन सकती है ऑन रोड प्राइस वो मैं बताना चाहूंगा 86,500 rupees की। और वहीं अगर आप इसको EMI पे अवेल करते हैं तो डाउन पेमेंट आपको जो करना होगा वो है करीबन 18,000 rupees की। 2 years के लिए अगर आप EMI पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा 3,760 rupees एंड फॉर 3 years यू विल पे 2,750 rupees। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को TVS Radeon 110 के बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। और जहां तक बात है इसमें मिलने वाली माइलेज की, तो आप कह सकते हैं अराउंड 65-70 kilometers तक की जो माइलेज है आप इस बाइक के साथ बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं TVS Star City Plus के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं TVS Star City Plus के बारे में। और जहां तक बात है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो काफी Radeon से मिलती जुलती है। 110 cc एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहां पर भी आप लोगों को मिल जाता है। और जहां तक बात है पावर की, तो बता दूं 8.08 bhp की पावर मिल जाती है 7,350 rpm पे। और जहां तक बात है टॉर्क की, बता दूं 8.7 Nm की टॉर्क मिल जाती है 4,500 rpm पे, जो कि आप कह सकते हैं काफी Radeon से मिलती जुलती है। और मैं जहां तक बात है प्राइस की, वो भी आप लोगों को बता दूं, यहां पर भी आप लोगों को दो वर्जन मिल जाता है, एक है ड्रम एक है डिस्क। तो आप कह सकते हैं ड्रम वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से इसकी जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस बन सकती है, फिर आप कह सकते हैं कोलकाता के हिसाब से जो प्राइस बन सकती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 84,975 rupees। और अगर आप इसकी EMI पे अवेल करते हैं तो डाउन पेमेंट आपको जो करना होगा मिनिमम वो है 18,000 rupees का। 2 years के लिए अगर आप अवेल करते हैं EMI पे तो आपको पे करना होगा 3,706 rupees एंड फॉर 3 years इफ यू अवेल इट एज EMI तो आपको पे करना होगा 2,700 rupees। और अभी मैंने आप लोगों को कहा है डिस्क और ड्रम दोनों वर्जन है, तो इसकी जो डिस्क वर्जन है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, उसकी जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 87,500 rupees की, ठीक है। और वहीं अगर आप इसको EMI पे अवेल
करते हैं तो डाउन पेमेंट आपको जो पे करना होगा वो है 18,500 रुपीज़ के, और 2 ईयर्स के लिए अगर आप इसको ईएमआई पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा 3,760 रुपीज़, और वहीं अगर आप 3 ईयर्स के लिए अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा 2,730 रुपीज़। और जहां तक बात है माइलेज की फ्रेंड्स, तो यहां पर भी आप लोगों को अराउंड 65-70 किलोमीटर तक की जो माइलेज है आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आप बात करते हैं टीवीएस स्पोर्ट के बारे में। जहां तक बात है इंजन की, तो बता दूं यहां पर आप लोगों को 109.7 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाती है। यहां फ्रेंड्स फ्यूल इंजेक्टेड वाली इंजन यहां पर भी आप लोगों को मिल रही है। जहां तक बात है पावर फिगर्स की, 18.18 बीएचपी की यहां पर आप लोगों को पावर मिल रही है, और जहां तक बात है टॉर्क की, 6.1 न्यूटन मीटर की यहां पर आप लोगों को टॉर्क मिल जाती है। और जहां तक बात है मैक्सिमम स्पीड की, कंपनी क्लेम करती है यहां पर आप लोगों को 90 किलोमीटर पर आवर तक की जो टॉप स्पीड है वो आप इस बाइक के साथ अचीव कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है राइडिंग कंडीशंस पे, थोड़ी सी कम या ज्यादा बिल्कुल हो सकती है। और जहां तक बात है माइलेज की, 70 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जहां तक बात है प्राइस की, तो बता दूं यहां पर भी दो वेरिएंट अवेलेबल होती है, एक है किक स्टार्ट विद अलॉय और दूसरा है सेल्फ स्टार्ट विद अलॉय। यहां पर सेल्फ स्टार्ट विद अलॉय है, तो यहां पर मैं आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट विद अलॉय की ही प्राइस बताऊंगा। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इसका ऑनरोड प्राइस बताऊं तो वो बनती है 80,000 रुपीज़ की। यहाँ फ्रेंड्स 80,000 रुपीज़ का यहाँ पर आप लोगों को करीबन ऑनरोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको ईएमआई पे अवेल करते हैं तो आपको जो डाउन पेमेंट करना होगा वो है 16,500 रुपीज़ का मिनिमम डाउन पेमेंट, और 2 ईयर्स के लिए अगर आप अवेल करते हैं तो ईएमआई आपको पे करना होगा 3,500 रुपीज़, एंड फॉर 3 ईयर्स इफ यू अवेल इट एज ईएमआई तो आपको पे करना होगा 2,550 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स मैंने सारी जो बाइक्स उसके बारे में बता दिया, और यहाँ पर टीवीएस की जो मोपेड मिलती है, चलिए उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ टीवीएस की तरफ से मिलने वाली दो मोपेड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक्सेल 100 है, और वो इसी की एक अलग सी एक यहाँ पर वर्जन आती है जिसको कम्फर्ट कहा जाता है। अगर प्राइस के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये 65,000 के अराउंड मिलती है, अप्रॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जहाँ तक इसकी बात है, ये आप लोगों को 67,000 के अराउंड मिलती है। ठीक है, जहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर आप लोगों को ये स्प्लिट सीट मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई वाइजर वगैरह यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं अगर आप ये कंफर्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये लॉन्ग सीट मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक रेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ पर ये वाइजर मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका प्राइस अराउंड 67,000 बन जाता है। तो आप लोगों को अगर ये ईएमआई पे अवेल करनी है तो डाउन पेमेंट आपको अराउंड 15,000 के अराउंड करनी होगी। फॉर 3 ईयर्स यू नीड टू पे अराउंड 2,100 रुपीज़, एंड फॉर 2 ईयर्स अगर आप इसको ईएमआई पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा अराउंड 3,100 रुपीज़ तक। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीवीएस में मिलने वाली स्कूटर्स के बारे में, क्योंकि अभी 125 सीसी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और हाल ही में कंपनी ने टीवीएस जुपिटर 125 को लॉन्च किया। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को तीन वेरिएंट मिल जाती है, ड्रम अलॉय, डिस्क अलॉय। अगर डिस्क अलॉय में चले जाते हैं टॉप वेरिएंट पे, तो वहाँ पर आप लोगों को ये एलईडी डीएल देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अभी ये टॉप वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा पाऊंगा। और फ्रेंड्स फीचर्स के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। आप कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट भी मिल जाती है। इंटेल इकोसिस्टम आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है फ्यूल सेविंग के लिए। 30 लीटर्स की बूट स्पेस दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैठे बैठे आप फ्यूल ओपन कर सकते हैं, बैठे बैठे आप अपना सीट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं की लेफ्ट और राइट टर्न करके। ठीक है, यहाँ पर मेटल मैक्स बॉडी का यूज किया गया है। ठीक है, और चलिए अब इसको जो इंजन उसके बारे में बात कर लेते हैं। 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन यहाँ पर आपको मिल जाती है। 8.15 बीएचपी आपको यहाँ पर पावर मिल जाती है, और 10.5 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल जाता है। और आप लोगों में से बहुतों ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर आप लोगों को किक मिलता है या नहीं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को किक मिलती है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर किक मिलती है। ठीक है, और चलिए अब इसकी जो प्राइस उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोगों को यहाँ पर तीन वेरिएंट मिलती है। ड्रम वेरिएंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उसकी जो वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से उसकी जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस बन सकती है वो 94,500 रुपीज़। अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं ईएमआई के लिए तो आपको जो पे करना होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 रुपीज़। ठीक है, और वहीं अगर आप इसको 2 साल के लिए अगर ईएमआई पे अवेल करते हैं तो 4,112 रुपीज़ पे करना होगा, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 2,390 रुपीज़। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ड्रम वर्जन का बात हो गया। अब चलिए ड्रम एलॉय की बात कर लेते हैं। ड्रम एलॉय का जो प्राइस बन सकता है कृष्णनगर में वो बनता है 98,000 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेट प्राइस। ठीक है, डाउन पेमेंट अगर आप करेंगे तो 20,000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट डाउन पेमेंट होगा, और 2 ईयर्स के लिए 4,265, एंड 3 ईयर्स के लिए 3,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा फॉर ईएमआई। और वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल में चले जाते हैं डिस्क एलॉय वर्जन में, तो वहां पर आप लोगों को जो प्राइस बनती है वो है 1,03,000 रुपीज़ की। डाउन पेमेंट आपको जो करना हो सकता है फॉर ईएमआई वो है 20,000 रुपीज़ की। फॉर 2 ईयर्स विल पे 4,520 रुपीज़, एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 3,250 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स टीवीएस जुपिटर के बारे में बात हो चुकी है 125 सीसी की। यहाँ पर आप लोगों को 4 कलर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सिल्वर मिल रही है, व्हाइट कलर मिलती है, ब्लू कलर मिलती है, और आप कह सकते हैं ऑरेंजिश टाइप का एक कलर मिलती है। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं एंटॉर्क 125 के बारे में। देखिए एंटॉर्क 125 की भी दो एडिशन आती है, एक है नॉर्मल एंटॉर्क 125 और दूसरी जो आती है वो है एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी एडिशन। उसमें पावर थोड़ी ज़्यादा आती है, सबके बारे में मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। देखिए नॉर्मल जो एडिशन आ रही है उसमें भी, जो नॉर्मल एंटॉर्क 125 है उसमें आप लोगों को 3 एडिशन मिल जाता है। एक है नॉर्मल, एक है रेस एडिशन, और दूसरी जो आती है मतलब तीसरी जो आती है वो सुपर स्क्वाड एडिशन। नॉर्मल अगर एडिशन की बात करूं वो अभी यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले जो इंजन है उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहूंगा। 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन आपको मिल जाती है 6.9 किलोवाट पावर के साथ और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। चलिए अब जो नॉर्मल एडिशन है सबसे पहले उसके बारे में आप लोगों को प्राइस बता देता हूं। वहां पर आप लोगों को जो ऑन रोड प्राइस पड़ सकती है वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से वो है 1,02,100 रुपीज़। डाउन पेमेंट आपको करना हो सकता है 21,000 रुपीज़ का। फॉर 2 ईयर्स विल पे 4,410
₹10 एज EMI एंड फॉर 3 years विल पे ₹3,200 एज योर EMI। और चलिए अब बात करते हैं सुपर स्क्वाड एडिशन। देखिए ये वाली जो एडिशन है सुपर स्क्वाड एडिशन, ये स्पाइडरमैन वाली एडिशन, इसे हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसकी जो मतलब इंजन जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सुपर स्क्वाड एडिशन की जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है ₹1,08,900 की। मतलब आप कह सकते हैं अराउंड ₹1,09,000 की आपकी पड़ सकती है। डाउन पेमेंट आपको करना हो सकता है ₹23,000 तक का। और वहीं आप लोगों को अगर मैं इसकी अगर मैं EMI बताऊं फॉर 2 years तो वो बन सकती है ₹4,600 के एंड फॉर 3 years यू नीड टू पे ₹3,400। तो ये मैंने आप लोगों को सुपर स्क्वाड एडिशन के बारे में बता दिया है। और चलिए अब बात करते हैं रेस एडिशन की जो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। ये आप देख पा रहे हैं रेस एडिशन, इसमें भी आप लोगों को इंजन स्पेसिफिकेशन सेम मिल जाती है। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो कृष्णनगर के हिसाब से इसकी जो ऑन रोड प्राइस बनती है वो है ₹1,06,100। डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं फॉर EMI तो आपको डाउन पेमेंट करनी होगी ₹22,000 की। और वहीं अगर आप इसको 2 years के लिए अगर EMI पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा ₹4,570 एंड फॉर 3 years यू नीड टू पे ₹3,320। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं TVS Ntorq 125 Race XP के बारे में। अब फिलहाल मैंने आपको पहले ही बताया कि Race XP मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं। और सबसे पहले उसके इंजन के बारे में बता देना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स जो आउटर जो लुक है आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगी, ठीक है, मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। बहरहाल इसमें जो ग्राफिक्स है और Race XP की जो ग्राफिक्स उसमें तो डिफरेंस है। स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिख रही होगी कि एक्चुअल में Race XP दिखती कैसी है। जहाँ तक बात है उसके इंजन की 124.8 cc एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड सेम इंजन आपको वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पर आपको पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है, 10.2 PS तक की पावर मिलती है। आप कह सकते हैं कि बेस्ट इन द सेगमेंट है, मोस्ट पावरफुल इन द सेगमेंट है। और टॉर्क की जहां तक बात है 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। फीचर की जहां तक बात है वहां पर Race XP में आपको ब्लूटूथ मिलती है। ये वाली जो वर्जन है नॉर्मल वर्जन या फिर आप कह सकते हैं ये जो सुपर स्क्वाड एडिशन है यहां पर भी आप लोगों को ब्लूटूथ मिलती है। मतलब आप देख सकते हैं यहां पर ये स्मार्ट कनेक्ट का यहां पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। ब्लूटूथ का मीन्स ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आप ब्लूटूथ के साथ अगर अपनी इस कंसोल को अगर फोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ये जो टर्न बटन नेविगेशन वगैरह है इस सब चीज़ों को यहां पर यूज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप Race XP वर्जन पर चले जाते हैं वहां पर आप लोगों को वॉइस कमांड भी मिल जाती है। तो वो एक एडेड एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि एक फीचर आपको वहां पर मिल जाती है। साथ ही आपको बता देना चाहूंगा Race XP अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको राइडिंग मोड मिलती है। तो राइडिंग मोड चेंज करके आप परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों को अचीव कर सकते हैं। चलिए प्राइस के बारे में बात करते हैं Race XP की वर्जन की। वहां पर मैं अगर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस बताऊं तो वो बन जाती है ₹1,10,600 की। डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं EMI के लिए तो आपको पे करना होगा ₹22,300 की फॉर 2 years। फॉर EMI यू विल पे ₹4,852 एंड फॉर 3 years यू विल पे ₹3,550 एज EMI फॉर TVS Ntorq 125 Race XP Edition। तो ये फ्रेंड जो 125 cc की जितनी भी बाइक्स थी उनके बारे में बात हो चुकी है। और देखिए जुपिटर का मैं आप लोगों को माइलेज बताना चाहूंगा। यहाँ पर भी आप 40 टू 45 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो Ntorq 125 पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप अराउंड 42 किलोमीटर तक की जो माइलेज है आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जुपिटर की 110 cc सेगमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 मॉडल अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल 2 ही मॉडल अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जुपिटर ZX वाली मॉडल अवेलेबल है 110 cc की, और ये जुपिटर 110 cc की जो क्लासिक मॉडल है ये यहां पर अभी अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं यहां जैसे मैंने अभी बताया 4 वेरिएंट आप लोगों को अवेलेबल मिलती है। जहां तक बात है इंजन की दोनों में चारों में आप लोगों को सेम इंजन मिल जाती है। 109.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको यहां पर मिल जाती है 5.8 किलोवाट पावर के साथ और 8.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं यहां पर ये जो ZX वर्जन है इसकी यहां पर जो प्राइस पे करना हो सकता है वेस्ट बंगाल कृष्णनगर या फिर आप कह सकते हैं कोलकाता के हिसाब से ऑन रोड प्राइस वो बनती है ₹97,000 तक। अगर आप इसको EMI पे अवेल करते हैं डाउन पेमेंट आपको करना होगा ₹20,400 का एंड फॉर 2 years you will pay ₹4,232 as EMI per month and for 3 years you will pay ₹3,094 per month as EMI। और वहीं अगर आप यहां पर आ जाते हैं क्लासिक वर्जन में तो यहां पर आप लोगों को जो पेमेंट करना हो सकता है वो जस्ट महज ZX वर्जन से ₹1,000 ज्यादा आपको यहां पर पे करना होगा, 98,000 अप्रॉक्स तक का, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं TVS की तरफ से ऑफर की जाने वाली 2 सबसे किफायती स्कूटर के बारे में जो कि है TVS स्कूटी पे प्लस और TVS Zest। तो जहां तक बात है Zest की तो बता दो इंजन यहां पर आप लोगों को 110 cc की मिल रही है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ। और जहां तक बात है पावर की तो 5.75 किलोवाट के यहां पर आपको पावर मिल रही है 8.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। यहां पर भी फ्रेंड्स आप लोगों को बता दो 2 कलर वेरिएंट में आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, एक है ग्लॉस सीरीज एक है मैट सीरीज। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये आप लोगों को मैट सीरीज में आ रही है, कलर देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जहां तक बात है प्राइस की तो बता दो यहां पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर कोलकाता के हिसाब से आप कह सकते हैं 83,500 की ऑन रोड प्राइस पड़ सकती है। जहां तक बात है इसकी मतलब डाउन पेमेंट की अगर आप इसको EMI पे अवेल करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा ₹12,700 की। वहीं अगर आप 2 साल के लिए अवेल करते हैं तो ₹3,922 EMI आपको पे करना होगा। और वहीं अगर आप इसको 3 ईयर्स के लिए अगर आप अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा ₹2,870। और चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे किफ़ायती स्कूटर, ठीक है, जो TVS ऑफर करती है। ये महज मतलब आप समझ सकते हैं ये सिर्फ 87.3 cc एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है, स्कूटी पे प्लस। और जहां तक बात है पावर की सबसे कम पावर ये प्रोड्यूस करती है TVS कंपनी की
जो जितनी भी स्कूटर्स आती हैं उनमें, ये सिर्फ 4 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है 6.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। जहां तक बात है प्राइस की फ्रेंड्स, तो इसकी जो अप्रॉक्सिमेट जो ऑनरोड प्राइस बन सकती है वो है 75,100 रुपीज़ की। डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं ईएमआई के लिए तो आपको पे करना होगा 15,000 रुपीज़। फॉर टू ईयर्स विल पे 3,353 रुपीज़ एंड फॉर थ्री ईयर्स विल पे 2,452 रुपीज़। और फ्रेंड जहाँ तक बात है इन दोनों में मिलने वाली माइलेज की, तो बता दूँ यहाँ पर आप अराउंड 50 किलोमीटर्स तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अराउंड 45 किलोमीटर्स तक की जो माइलेज है जेस्ट में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि जितनी भी स्कूटर्स या बाइक जो भी TVS में अवेलेबल होती हैं उनके बारे में आप लोगों को एक छोटी सी फीचर, प्राइस और इंजन के बारे में बताने की। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पता है आपको पसंद आया तो क्या करना है, अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।